अगर इस मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि खैरात से, फिलैंथ्रोपी से जो स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, अस्पताल हैं, वो तो चल सकते हैं, मुल्क सिर्फ टैक्स से चल सकते हैं। इसलिए हमें इसको बतदरीज 9.5 से अगले 3 साल में इसको 13.5% पे या 13% के करीब इसको ले जाना पड़ेगा। तो ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम बाकी सेक्टर्स को नेट में ला रहे हैं। जैसे मैंने अपनी बजट स्पीच में भी कहा कि 31,000-32,000 रिटेलर्स इस वक्त रजिस्टर हो चुके हैं और जुलाई से उन पे टैक्स का इतलाक होगा इंशाल्लाह। मुल्की तरक्की के लिए सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना होगा। हुकूमती खराजात में कमी ना होने की बात दुरुस्त है। हम पर तनकीद की जा रही है कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ नहीं दिया। जब इदारे अरबों रुपए के नुकसान कर रहे हों तो रिलीफ कैसे दें? वज़ीर आज़म को जल्द रिपोर्ट देंगे कि किन इदारों को बंद करना है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खैरात से स्कूल हॉस्पिटल चल सकते हैं, मुल्क नहीं, मुल्क टैक्स से ही चलते हैं। जो शोबे टैक्स नहीं दे रहे उन्हें निज़ाम में ला रहे हैं। 31 से 32 हज़ार रिटेलर्स रजिस्टर हो चुके। रिटेलर्स पर जुलाई से टैक्स का निफाज होगा। टैक्स छूट को बतदरीज ख़त्म करना है। FBR में बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। टैक्स डिजिटाइजेशन से करप्शन में कमी होगी। ईद का दूसरा रोज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी। कल के मेजबान, आज के मेहमान, घरों में लजीज पकवान तैयार। मटन बिरयानी और बीफ पलाव से मेहमानों की तवाजो। बारबेक्यू, टिक्का कबाब और मलाई बोटी की तैयारियों का प्लान भी तैयार। दोस्तों को दावत के लिए रावते भी कर लिए गए। बड़ी ईद के बड़े मजे, मौज मस्ती और सैर सपाटे का प्रोग्राम फाइनल। बच्चा पार्टी ने तैयारी कर ली, कोई चिड़ियाघर तो कोई पार्क जाने के लिए बेताब। तफरीही मकामात पर ईद की खुशियां दुबाला करना पहुंचना शुरू हो गए। ईद के दूसरे रोज शदीद गर्मी का तोड़। सयाहों की बड़ी तादाद ने मलकर कोहसार मरी का रुख कर लिया। खूबसूरत मौसम और हसी निजारों से भरपूर लुत्फानंदोज सवात के दरिया किनारे कायम फजा घट पार्क में लोगों ने ईद का मजा दुबाला किया। शुगर के सियाहती मकामात पर लोगों का रश बढ़ गया। कैंचर झील पर भी बड़ी तादाद में सयाह पहुंच गए। शहर इक्तदार के वासियों ने भी ईद इंजॉय करने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। ईद पर ज्यादा गोश्त खाने वाले हॉस्पिटल्स में पहुंच गए। लाहौर में पहले दिन सैकड़ों मरीज गैस्ट्रो डायरिया के साथ रिपोर्ट। 6 बड़े हॉस्पिटल्स की इमरजेंसी में 2000 से ज्यादा अफराज जेरे इलाज। ईद कुर्बान पर मजेदार खाने जरूर खाएं मगर हाथ हल्का रखें। शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के मरीज एहतियात करें, तिब्बी माहरीन के मशवरे। कलेजी, गुर्दे, मखज और पाए खाने से जरा परहेज करें। घी, तेल और मसालाजात बीमार कर सकते हैं। गोश्त के बाद फल जरूर खाएं। मरियम नवाज की हिदायत पर ईद उल अज़हा के दूसरे रोज भी पूरे सूबे में सफाई मुहिम जोरों शोर से जारी है। लाशें उठाने और सफाई सुथराई की मुहिम में रास्तों की धुलाई, अरके खुला पानी में शामिल करके छिड़काव। जिला पाकपतन और नारोवाल में लाशों को ठिकाने लगाने और सफाई सुथराई की मुहिम। सड़कों को भी धो दिया गया। वज़ीर-ए-आला के अफसरान और अमले को शाबाश। शहरियों से भी भरपूर तआवुन की अपील। पंजाब भर से ईद के पहले रोज 73,000 टन लाशें ठिकाने लगाई गई। लाहौर में 16,000 टन लाशें उठाकर डंपिंग साइट्स पर पहुंचाई गई। कमिश्नर लाहौर की शहरियों से लाशें सड़क किनारे फेंकने की बजाय कंटेनर्स में डालने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला के इस्लामाबाद में जीरो वेस्ट यकीनी बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी का चेयरमैन CDA से राबता, कहा शहरियों को बेहतरीन खदमात की फराहमी पर पूरी टीम को शाबाश देता हूँ। CDA की सॉलिड वेस्ट टीमें मुतहरिक और फाल अंदाज में फराइज सर अंजाम दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली ज़रदारी से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं में ईद की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का तबादला। मुल्क की सियासी सूरतेहाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को फोन, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म की बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ईद के बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात की दावत। मुलाकात में ज़ेरे-ए-इल्तवा मामलात के हल पर बात होगी।
वज़ीर-ए-आज़म का चारों सूबों के गवर्नर्स और वज़ीर-ए-आला से भी टेलीफोनिक राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म के सदर और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का सियासी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ता, ईद की मुबारकबाद का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म का ईद के मौके पर कौमी इत्तेहाद और यकीनियत के अज़्म का इआदा कहा। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा करते हैं। मौशी इस्तेहकाम के लिए इत्तेहादी हुकूमत में शामिल तमाम जमातें अपना किरदार अदा करती रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गैरी क्रिस्टन के बयान से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। हेड कोच ने टीम में इख्तलाफात और इत्तेहाद पर कोई गुफ्तगू नहीं की, फिटनेस पर तो कोई सवाल ही नहीं हुआ। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन से मंसूब बयान पर खिलाड़ी और टीम मैनेजमेंट हैरान। कोच के बयान को मन घड़त करार दे दिया, कहा इतनी इंग्लिश हमें आती है कि कोच की बातों को समझ सकें। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की नाकिस कारकर्दगी, कप्तान बाबर आजम की वापसी पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी टीम मैनेजमेंट और कप्तान की मीटिंग बुलाएंगे। ज़राए के मुताबिक कौमी क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में शर्मनाक कारकर्दगी पर टीम मैनेजमेंट से बासपोर्स होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं कि टीम मैनेजमेंट से जल्द नाकिस कारकर्दगी की वजूहत पूछी जाएंगी। टीम मैनेजमेंट में कुछ लोगों के ओहदे खतरे में, कौमी क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ी कल वतन वापस पहुँचेंगे। टी20 वर्ल्ड कप ग्रुप मरहले के आखिरी मैच में वेस्ट इंडीज ने अफगानिस्तान को 104 रन से शिकस्त दे दी। 219 रन के हदफ के ताकुब में अफगान टीम 114 रन पर ढेर हो गई। वेस्ट इंडीज के निकोलस पुरान ने 98 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पुरान ने अपने इनिंग्स में 8 छक्के लगाए। अफगानिस्तान की जानब से गुलबदीन नायब ने दो खिलाड़ियों को आउट किया। दोनों टीमें पहले ही सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुकी। पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पापुआ न्यूगिनी को 3 विकेटों से शिकस्त दी। न्यूजीलैंड ने 79 रन का हदफ 13वें ओवर में हासिल किया। टी20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 मरहले का आगाज कल से होगा। अमेरिका और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जोड़ पड़ेगा। सुपर 8 मरहले के लिए 8 टीमें फाइनल हो गई। ग्रुप ए में अमेरिका और भारत, ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ग्रुप सी में अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज, ग्रुप डी में जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश ने सुपर 8 मरहले में जगह बनाई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ से स्पेन के सफीर की मुलाकात। तजारत, सरमायाकारी, तालीम, सकाफत और सियाहत के फरोग पर तबादला ख्याल। बाहमी तालुकात को मजबूत बनाने की मुश्तरका काविशों को बढ़ाने की जरूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आला ने सरमायाकारों को साजगार माहौल फ्राहम करने के हवाले से हुकूमती इकदाम से आगाह किया। पाकिस्तान और स्पेन के तजारती हजम में इजाफा खुशाइंद है। गैर मुल्की सरमायाकारों को महफूज सरमायाकारी के लिए बेहतरीन माहौल फ्राहम किया जा रहा है। मरियम नवाज़ हिस्पानी सफीर का पंजाब में मजबूत इक्तिसादी शराकतदारी को फरोग देने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश का इम्कान। शदीद गर्मी के बाद रावलपिंडी और पेशावर में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश बरसने की पेशगोई कर दी। आइंदा 24 घंटों में लाहौर समेत बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, पोठोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज आंधी, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुल्क के जनूबी वस्ती इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। ईद उल अज़हा पर भी गाज़ा में निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली हमलों का सिलसिला थम नहीं सका। इसराइल के टैंक्स और ड्रोन्स के जरिए वस्ती और जनूबी गाज़ा में हमले। 24 घंटों में 5 बच्चों समेत दर्जनों फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमू तादाद 37,347 हो गई। 85,372 फलस्तीनी जख्मी हैं। हमास के खुफिया हमले में एक और इसराइली फौजी जहन्नम वासिल। मिस्र से मुतसिल बॉर्डर ताहाल बंद। इमदाद की तरसील मुअत्तल। गाज़ा जंग जारी रखने पर इख्तलाफात। नेतन्याहू ने जंगी काबीना तहलील कर दी। बेनी गेंटर के मुस्ताफी होने के बाद जंगी काबीना की जरूरत नहीं रही। नेतन्याहू
गजा में जंग जारी रखने पर इख्तलाफात के बाद जंगी काबीना में शामिल दो वज़रा मुस्ताफी हो गए थे। इसराइली वज़ीरे आज़म पर इंतहा पसंद जमातों की जानिब से जंगी काबीना में नए अरकान को शामिल करने का दबाव था। नेतन्याहू जंग में हमें हकीकी कामयाबी की जानिब बढ़ने से रोक रहे हैं, बेनी गेंटर का मौक़िफ़।